जब सत्ता की ताकत के सामने सवाल कमजोर पड़ जाए तो आवाज बुलंद करनी पड़ती है। बोल कि लब आजाद है तेरे। न्यूज क्लिक पर मेरे साथ। क्या आप जानते हैं कि खुदरा महंगाई दर उत्तर प्रदेश में तमाम रिकॉर्ड तोड़ रही है? देश के तमाम राज्यों में उत्तर प्रदेश नंबर 3 पर है खुदरा महंगाई दर को लेकर। कुछ दिनों पहले हमने देखा था कि युवा कितना बेहाल था, वो सड़कों पर उतर आया था, पुलिस उस पर लाठियां भांज रही थी और उस युवा का सिर्फ इतना गुनाह था कि उसने नौकरी की मांग की थी। युवा कैंडल मार्च कर रहा था मुख्यमंत्री के आवास की तरफ, उनके घर की तरफ, और पुलिस ने उस पर लाठियां भांजी थी। और अब वो युवा क्या कर रहा है दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहता हूं। ये वीडियो देख रहे हैं आप, अलीगढ़ का वीडियो है दोस्तों। यहां आप देख सकते हैं वहां के छात्र जो हैं वो लोग किस तरह से भगवा गमछा पहनकर बैठे हुए हैं। नवभारत के पत्रकार जो हैं मिथिलेश धर, उन्होंने इस वीडियो को बयां किया है अपने ट्वीट के जरिए, जो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। वीडियो उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ का है। धर्म समाज महाविद्यालय में बीए और बीएससी के छात्रों ने भगवा शॉल ओढ़कर क्लास में पढ़ाई की। उधर झांसी के पीजी कॉलेज में सोमवार को बुरके और हिजाब में पहुंची छात्राओं को विरोध का सामना करना पड़ा। प्रिंसिपल ने हिजाब बुरके पर प्रतिबंध लगा दिया। चलिए, हिजाब बुरके पर प्रतिबंध लग गया यानी कि अब हिंदू धर्म खतरे में नहीं है, ठीक है, अब मुगल हम पर राज नहीं करेंगे। मगर भैया तुम क्या कर रहे हो यहां पर बैठ के? ये बीए और बीएससी के छात्र हैं और इनकी हालत देखिए। फिर सरकार के सामने रुदाली मत किया करो जॉब्स को लेकर। मुझे मैसेज मत किया करो कि सर हमारी ये परीक्षा नहीं हो रही, आप हमारा मुद्दा उठाइए। बेरोजगारी को लेकर आप मुद्दा उठाइए। अरे अभिसार शर्मा तो वो मुद्दा उठाते रहेगा। तुम बताओ ना, तुम क्या कर रहे हो यहां बैठकर? क्या कर रहे हो तुम यहां बैठकर? एक खबर के मुताबिक जैसे ही उत्तर प्रदेश के चुनाव खत्म होंगे, पेट्रोल और डीजल के दाम फिर से बढ़ा दिए जाएंगे। सरकार आपके साथ क्या खेल करती है आपको पता ही नहीं चलता, मगर आपको न्यूज चैनल्स हिजाब और बुरके में फंसा कर रखना चाहते हैं। देश का सबसे धनी आदमी मुकेश अंबानी और उसका न्यूज चैनल किस तरह का जहरीला प्रोपेगेंडा चलाता है उसकी मिसाल मैं आपको देना चाहता हूं। आपके स्क्रीन पर देखिए, परिवारवादी सोच प्लस तमंचावादी काम इक्वल टू समाजवादी नाम। मोहतरमा मुस्कुरा रही हैं, मगर जो जहर ये चैनल चला रहा है अपने चैनल पर, अपने न्यूज चैनल पर, वो निहायत ही शर्मनाक है। इन्हीं तमाम चीजों का असर जो है वो युवाओं पर पड़ता है जब वो इस तरह से भगवा गमछा पहन जाते हैं और असल मुद्दों पर सरकार को नहीं घेरते हैं। मैंने आपसे कहा कि खुदरा महंगाई दर तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ रही है। जानते हैं आप, जो डर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को था उससे भी भयानक स्थिति है। अब मैं आपको एक एक करके जो हालात हैं कितने गंभीर हैं मैं आपको बतलाने वाला हूं। गौर से सुनिएगा एक एक शब्द जो मैं आपके सामने रखने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुमान के मुताबिक जो इस वक्त आपके स्क्रीन पर है, उन्होंने कहा था कि 5.7% होगा खुदरा महंगाई दर, मगर जो ताजा आंकड़ा आया है उसके मुताबिक खुदरा महंगाई दर 6.01 पर पहुंच गई है। अब मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, दिसंबर 2021 में यह आंकड़ा आपके सामने 5.66% था। पिछले साल इसी समय जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो यह आंकड़ा था 4.06%, 4.06%, यह बढ़कर अब 6.01% हो गया है। खुदरा महंगाई दर लगातार बढ़ रही है, मगर क्या उन नासमझ युवाओं को इसकी कोई परवाह है? क्या आपको अंदाजा है कि आपके मां बाप किस मुश्किल से कमाई कर रहे हैं? आपके घरों में कई ऐसे घर होंगे जहां पर मां बाप बेरोजगार होंगे और आप लोग स्कूल्स और कॉलेजेस में बैठकर इस तरह का नफरती खेल खेल रहे हैं और फिर बाद में आप रुदाली करते हैं नौकरी के लिए।
बात यहां नहीं रुकती दोस्तों, अब मैं आपको बतलाने वाला हूं वो तीन राज्य जहां सबसे ज्यादा महंगाई है। सबसे नंबर वन पर है हरियाणा, दूसरे नंबर पर दोस्तों हैं पश्चिम बंगाल, और यहां पर खुदरा महंगाई दर है 7.62%। नंबर तीन पर आता है उत्तर प्रदेश, जहां जहां के एक छात्र थे, यहां पर महंगाई की दर है 7.23%। मध्य प्रदेश में यह आंकड़ा है 7.06%। जम्मू कश्मीर में यह आंकड़ा है 6.97%। हिमाचल प्रदेश में 6.89%। आप देख सकते हैं तमाम जगहों पर महंगाई को लेकर कितनी बुरे हालात हैं। परिवारों पर दबाव है, बेरोजगारों पर दबाव है, और इस तरह से ब्रेन वॉश मेरे देश का युवा हो चुका है। क्या आप जानते हैं कि गांव में महंगाई दर है 6.12%। उसी तरह से हम शहरों की बात करें तो वहां महंगाई दर है 5.91%, और ये दोनों ही आंकड़े पिछले साल के मुकाबले 2% बढ़ चुके हैं। क्या आपकी नजर इस तस्वीर की तरफ जा रही है? अब मैं आपको बताने वाला हूं आंकड़ों के जरिए कि अनाज में महंगाई कितनी बढ़ी है, मांस और मच्छी में कितनी महंगाई बढ़ी है, दूध और उनसे जुड़े उत्पादों में कितनी महंगाई बढ़ी है। एक एक करके आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। सबसे पहले अनाज की बात करते हैं। अगर हम ग्रामीण इलाकों की बात करें, यानी कि देहात की बात करें, तो वहां महंगाई बढ़ गई है 3.71%। शहरी इलाकों की बात करें तो वहां महंगाई है 2.91%। फिर यह तो बात हो गई अनाज की दोस्तों, अब हम बात करते हैं मांसाहारी खाना, यानी कि मांस और मछली की। ग्रामीण इलाकों में मांस और मछली के दाम जो है वो बढ़ गए हैं 5.80%, और शहरी इलाकों में 4.99% मांस और मछली के दाम बढ़ गए हैं। अब दूध की बात करते हैं। जी हां, दूध और उससे जुड़े जो तमाम उत्पाद होते हैं, क्या हाल शहर का है और क्या हाल गांव का है। सबसे पहले गांव का आंकड़ा, गांव में देख सकते हैं 4.15% ये दाम बढ़ गया है, और इसी तरह से हम शहर की बात करें 2.50% ये दाम बढ़ चुका है। अब तेल की बात करते हैं। जी हां, क्योंकि आप जानते हैं सरसों का तेल किस तरह से उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा है, और अगर सरसों की तेल की बात करें या तेल की बात करें तो ग्रामीण इलाकों में 20.60% की उछाल है, और शहरी की बात करें तो 15.15% की उछाल है, अगर हम महंगाई दर की बात करें तो। और इसी तरह से दोस्तों फल देखिए, ग्रामीण और शहरी इलाकों में क्या हालत है। अब दाल और दलहन देखिए, यहां पर भी आपको मैं ग्रामीण और शहरी इलाकों की तस्वीर बता रहा हूं। अब चीनी देखिए दोस्तों, चीनी में भी आप देखिए, ग्रामीण में 5.67% की बढ़ोतरी, और शहरी की बात करें तो 4.94% की बढ़ोतरी है। थक गए ना, आंकड़े सुन सुनकर आप थक गए ना, मगर ये आंकड़े मैं आपको इसलिए बतला रहा हूं क्योंकि मैंने अपने इस मंच के जरिए आपके सामने आपसे जुड़े मुद्दे उठाने का बीड़ा उठाया है। मैं आपको हिजाब, तालिबान, गजवाए हिंद, हिंदू खतरे में है, मुसलमान खतरे में है, इन तमाम मुद्दों पर मैं आपको जो है भटका कर नहीं रखना चाहता हूं, क्योंकि अगर आप इन मुद्दों में भटके रहे तो असल मुद्दों को नहीं उठा पाएंगे, तब ये लोकतंत्र रहेगा ही नहीं। वैसे तो कहीं ना कहीं मेरे मन का एक हिस्सा है जो ये कहता है कि क्या हम वाकई अब लोकतंत्र रह गए हैं जहां इस तरह की हरकतें होती हैं। खैर, मगर मैं ये मुद्दे उठाते रहूंगा, ये मेरा वादा है आपसे, मैं उससे पीछे नहीं हटने वाला हूं, और इन छात्रों को मैं लगातार संबोधित करते रहूंगा। ये बेशक ब्रेन वॉश्ड हो गए हैं, मगर आज से 5-6 साल बाद ये लोग समझ जाएंगे कि इन्होंने अपना, अपने मां बाप का और अपने छोटे भाई बहनों का, आने वाली कई पीढ़ियों का क्या नुकसान किया है। मगर मैं आवाज उठाते रहूंगा। नमस्कार।